वेलकम टू माई चैनल। स्टूडियो का टॉपिक है कंप्यूटर द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा गिवन है हमारे पास, हमने मीन पहले फाइंड आउट करना है, देन मीडियन एंड देन मोड। ये डाटा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है अरेंज कर लेते हैं डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अरेंज गिवन डाटा, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है जिसमें हमारे पास वैल्यूज छोटी से बड़ी तरफ होती है। जैसे पहले 3-1 है, अगर यहाँ पर सबसे छोटा 1 ही है पहले 1 लिखेंगे, 2 नहीं है तो फिर 2 के बाद 3 है, तो 3 जितनी बार भी है वो लिखेंगे। इस तरह फिर छोटे से बड़े की तरफ जाते रहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं 1, देन 1 एक ही दफ़ा है, 2 है नहीं है, 3 कितनी दफ़ा वो यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 टाइम्स है तो यहाँ पर लिख लें। फिर 4 भी नहीं है, 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 4 टाइम्स 5 है। और 6 भी नहीं है हमारे पास, और यहाँ पर 7 है, 7 कितने टाइम्स है, 1 2 3 3 टाइम्स 7 है। तो ये देख लेते हैं, हमने सारा लिख लिया, 11 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हैं, हमने सारी लिख ली हैं अरेंज करके। अब क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ या सम ऑफ वैल्यूज़ बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये इनको लिख लेते हैं यहाँ पर एज ए सम। 3 कितने टाइम्स है वो लिख लें, 5 भी लिख लें, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। नंबर ऑफ वैल्यूज़ का क्या मतलब है, जितनी वैल्यूज़ हैं, 11 वैल्यूज से भी हमने काउंट की थी तो यस 11 है, तो हम यहाँ पर 11 लिख लेते हैं नीचे। इन सबको प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 51 आ जाता है। हम यहाँ पर 51 लिख लेते हैं, 11 नीचे ही आ गया, 51 को 11 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4.64। तो यहाँ पर ये हमारे पास मीन आ चुका है। अब हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो पहले तो यही जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं जो अरेंज करके हमने लिखी हुई है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। 1 2 3 4 टाइम्स 5 है और देन 3 टाइम्स 7 है। मीडियन में ये होता है कि अगर नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं ओड होंगी तो फिर तो ये है कि जो मिडल वैल्यू होती है वो हमारे पास मीडियन है, और अगर इवन हो तो फिर हम ये काम करते हैं। यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पर इवन है, नंबर ऑफ वैल्यूज इवन है, इसमें कितनी है, 10 है टोटल। तो हमने क्या किया कि यहाँ से ये 4 वैल्यूज इधर से निकल गई, 4 वैल्यूज इधर से निकल गई, दरमियान में 2 रह गई, तो उनको हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। 5th और 6th नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 5 और 6 ही है, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता था, ठीक है। ये जो टर्म है ना, हम इसको 5 टर्म कहेंगे, इसको 6 टर्म कहेंगे, बेशक यहाँ पर जो मर्जी हो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह ये टर्म्स होती हैं। तो हमारे पास ये कौन सी टर्म्स रह गई थी दरमियान में, 2 टर्म्स, 5 और 6। तो हम लोगों ने इसकी लिखी कि क्या है, 5th टर्म पर हमारे पास 5 ही था, 6th टर्म पर 6 ही था, इनको प्लस करके डिवाइड कर देना, 2 से और आंसर आ जाने। अब यहाँ पर तो हमारे पास ये है कि देखें कि यहाँ से 3 अगर निकाल दें, यहाँ से भी 3 निकल गई, फिर यहाँ से हमने एक और निकाल दी, यहाँ से भी एक और निकल गई, एक और यहाँ से निकाल दें, यहाँ से भी निकल जाएगी, एक और इधर से भी, और हमारे पास, सॉरी मैंने 1 टाइम 5 ज़्यादा लिख लिया, 4 टाइम्स 5 था, ठीक है। ये वाला यहाँ पर हम कर देते हैं रिमूव, तो 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ से निकल गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स यहाँ से निकल गया। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमने 4 टाइम्स को किया है, यहाँ भी 1 2 3 4 टाइम्स ये हो गया, यहाँ से 5 टाइम हो गया, और ये भी हमारे पास यहाँ से 5 टाइम हो गया, और फिर ये रह जाएगा, ये 5 रह गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है हमारे पास ये 5 एक रह गया, तो ये हमारे पास मीडियन है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, कितनी है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 11 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि द number of values is 11, which is odd, क्योंकि odd है, so the value on number
तो वैल्यू और नंबर सिक्स, नंबर सिक्स पे कौन सी हमारे पास वैल्यू है, फाइव है। नंबर सिक्स इज मीडियन, वो हमारे पास क्या है, मीडियन है, ठीक है। इलेवन है ना, इलेवन और नंबर है, तो फाइव यहाँ से निकल गई, फाइव यहाँ से निकल गई तो टेन हो गई, तो जो सेंटर में रह गया वो सिक्स जो है उस पर है, वैल्यू पे सिक्स नंबर पर है, तो सिक्स नंबर पे हमारे पास क्या है, वो मीडियन है, वो क्या है, इज मीडियन, डैट इज़ फाइव, जो कि फाइव है, तो इसका मीडियन क्या हुआ, फाइव हुआ। अब हमारे पास रह गया मोड, मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोस्ट अकर वैल्यू को जो है हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो क्या है, थ्री थ्री टाइम्स है, सेवन भी थ्री टाइम्स है, लेकिन जो फाइव है वो फोर टाइम्स है। इसका क्या मतलब है, मोड फाइव हुआ, क्योंकि थ्री रिपीट हो रहा है, सेवन भी रिपीट हो रहा है, लेकिन फाइव जो है ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, फोर टाइम्स रिपीट हो रहा है थ्री और सेवन से ज़्यादा बार। तो इसका क्या मतलब है, इसमें मोड हमारे पास क्या है, फाइव ही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि द मोस्ट अकर्ड, मैं लिख लेती हूँ फिर दिखाती हूँ, ये मैंने लिख लिया है, द मोस्ट अकर्ड वैल्यू इज़ फाइव, फोर टाइम्स ही फाइव आ रहा है ना, सो मोड इज़ फाइव। समझ आया, तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।